नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित युवाच और मैंने अभी अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया पीजीआई रोहतक से। अभी मैं नोरसेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसएन एकेडमी जोधपुर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनक्लैक्स को लेके कि एनक्लैक्स की कौन सी बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, कौन सी बुक में क्या कंटेंट है, किस लेवल की बुक है और आपको इन सब की पीडीएफ वगैरह अगर लेनी है तो वो कैसे आपको अवेलेबल होगी। सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में होगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनक्लैक्स से रिलेटेड मिल जाएगी। आपका कोई भी डाउट होगा सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम एनक्लैक्स की, तो एनक्लैक्स की तीन बुक आती हैं। जो सबसे मेन बुक है सोंडर्स है, मोस्बी है, लिपनकोट है। तीनों बुक मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ये तीनों बुक आती हैं। इन तीनों बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मिलेगी। सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि तीनों बुक में क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे बात करें सोंडर्स की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी जो थ्योरी की बुक है उनकी बात कर रहा हूँ। तो सोंडर्स की जो थ्योरी की बुक है उसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी दी गई है। मैंने पढ़ी है बुक को, सोंडर्स की बुक को, जो एनक्लैक्स की सोंडर्स बुक है उसको मैंने पढ़ा है, पूरी पढ़ ली है मैंने, और काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें जो कंटेंट है वो उसमें बहुत दम है, मतलब लाइक उसमें कोई भी फालतू चीज़ें नहीं लिखी हुई है और जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो कि एम्स मानता है वो वाला डाटा है। कुछ चीज़ें लाइक जो कि एनक्लैक्स है तो ये अमेरिका की बुक है, तो कुछ चीज़ें अमेरिका के लेवल की है, अमेरिका के जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को लेके है, वो वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं है, उनको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमारे देश में इंडिया में जो एम्स है वो ये नहीं मानता, वो कुछ चीज़ें हैं माइनर सी चीज़ें हैं। लाइक इंडिया में अगर किसी भी फीमेल को एचआईवी है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अलाउ है, उसकी खुद की मर्जी है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए या ना करवाए, इंडिया में कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर यही बात करें अमेरिका की डेवलप्ड कंट्री की, तो वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये चीज़ उसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है इंडिया को लेके, तो वो चीज़ हम खुद से पता कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे देश के लिए लागू नहीं होती हैं। सोंडर्स की बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, और क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन जो रैशनल होता है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और साथ में वहाँ पे बताया गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए था, और आप ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप ऑप्शन को अगर जब देखोगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन को, वहाँ पे नीचे एक लाइन में लिखा होता है कि अगर आपको ऐसे ऐसे ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा, ये वाला इसलिए नहीं रहेगा, तो काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, जो कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगती है जो एनक्लैक्स की है। एनक्लैक्स की हर एक बुक में ऐसे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन से आपके टॉपिक बहुत क्लियर होते हैं और जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है उसका आंसर आपको एक बार पता चल गया तो दोबारा आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जरूर याद रहेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो। तो ये तो बात हुई एनक्लैक्स की। सोंडर्स की, सोंडर्स काफ़ी अच्छी बुक है, ये एक पहली बुक है जो कि पढ़नी चाहिए आपको अगर आप एनक्लैक्स पढ़ना मतलब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं आप, तो एनक्लैक्स की सोंडर्स सबसे पहले पढ़नी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी बेसिक बुक है, और जो मोस्बी और लिपनकोट की मैं बात करने वाला हूँ उनसे थोड़ी सी ईजी बुक है। सेकेंड बात करें हम मोस्बी की, मोस्बी में चीज़ें भी वही हैं जो सोंडर्स में है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं, क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, और उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, क्रिप एंड क्लियर है, और उससे आपको एक दिमाग में ऐसे आएगा कोई भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद उसका रैशनल पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता चलेगा, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इतनी अच्छी बुक है मोस्बी, मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगती है मोस्बी, क्योंकि मैंने मोस्बी भी हाफ पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक क्योंकि मेरा ये हरियाणा सीएचओ का एग्ज़ाम आ गया, मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और इसके लिए एनक्लैक्स पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पीआर यादव और टारगेट हाई की तरफ शिफ्ट हुआ हूँ, अदरवाइज़ मैं पहले एनक्लैक्स पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा 24 तारीख को उसके बाद फिर मैं दोबारा अपना एनक्लैक्स पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो मोस्बी में जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, वैसे तो सारी टॉप क्लास बुक हैं जितनी भी अपना एनक्लैक्स की बुक है, लेकिन जो मोस्बी में क्वेश्चन दिए हैं वो सबसे अलग हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके दिमाग को खोल देंगे बिल्कुल और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे और आपको ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसलिए यही आंसर आया है। तो मतलब मोस्बी की जो बुक पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना वो सबसे अलग है। तीसरी बुक की अगर मैं बात करूँ लिपनकोट की, इसकी मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली बुक है, दूसरी की मेरे पास पीडीएफ नहीं है, जो इसकी थ्योरी की बुक आती है, आती या नहीं आती वो भी मेरे को नहीं पता अच्छे से, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन आंसर वाली बुक है। अगर इनमें से सभी की आपको पीडीएफ चाहिएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ के लिए आपको एक लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो लिपनकोट की बुक है
एनक्लैक स्लिपन कोट, वो भी क्वेश्चन आंसर वाली बुक है मेरे पास, और वो भी जबरदस्त बुक है। अगर आपने ये तीनों बुक पढ़ ली हैं तो नर्सिंग का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पता हो, क्योंकि नर्सिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे इन तीनों बुकों में लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपका लाइक ऐसे दिल खुश कर देंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपने एक बार पढ़ लिए हैं तो। और अगर बात करें इन तीनों की पीडीएफ की, तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ टेलीग्राम यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी मेरे पीडीएफ जितनी भी मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो टारगेट आई हो, पीआर यादव हो, कोई प्रीति अग्रवाल हो, या फिर कोई एनक्लेक्स हो, जितनी भी मेरे पास अवेलेबल पीडीएफ है, 10 से ज़्यादा पीडीएफ अवेलेबल है बुक की, और उसके साथ साथ जो नोट्स अवेलेबल है मेरे पास जो कि काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों ने ही मेरे पास भेजे हैं, मैंने अभी पब्लिक कर दिए हैं सभी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उन नोट्स को। एक बार आप देखेंगे तो आपको नोट्स से और जो बुक्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उनके अंदर कंटेंट है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है पढ़ने में। और सबसे मेन चीज़ इस टाइम पे जब आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में यही होनी चाहिए कि आपको इस टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि 5 महीने का टाइम रह गया है, लगभग 5 महीने और 10 दिन रह गए हैं आज के अगर काउंट करें तो, 5 महीने 10 दिन 11 सितंबर के रहे हैं, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और अगर आप नोट सेट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी जो एनक्लेक्स की बुक है वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनक्लेक्स की बुक आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका अंदर से पढ़ने का कीड़ा है, उसको जगाएगी एक तरह से। मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं एनक्लेक्स पढ़ता हूँ, और मेरे पास तो सारी बुक्स की, लाइक जो भी बुक है, ये मैंने पीडीएफ बताई है आपको, उन सब की मेरे पास हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। तो आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप इन्हीं पीडीएफ को आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं, काफ़ी कम दाम में हो जाएगी, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगी बुक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की होगी और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी नर्सिंग के दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।